आप देख रहे हैं केवल सच। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जैसा कि बिहार के MLC चुनाव को लेकर जो अटकलें चल रही थी, बिहार के 24 सीटों को लेकर जो बिहार के NDA घटक में अटकलें चल रही थी, उसे साफ तौर पे अभी जो है क्लियर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार में पहुंचकर सर्वप्रथम सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात की, और काफ़ी मुलाकात करने के बाद से काफ़ी बातें स्पष्ट होकर सामने आई। और पटना के चाणक्य होटल स्थित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ में एक साथ मिलकर संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें साफ तौर पर जो है 24 सीटों को लेकर बातें सामने आई है, और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं अपने पास रखेगी और 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड अपने पास को दिया जाएगा। एक सीट जो है पशुपतिनाथ पारस की जो सीट थी, वो सीट सहयोगी लोजपा पशुपतिनाथ पारस की सीट को दी जा रही है। कुल 13 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी लोजपा के साथ में जो है की है, और 11 सीटें अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को दी है। दोनों की गठबंधन में साफ तौर पर ये बात खुलकर सामने आई है, और इसमें खास तौर पर किसी तरह से हम पार्टी और मुकेश सहनी की VIP पार्टी की चर्चा नहीं की गई है। अब आगे क्या होता है, तो दोनों सहयोगी पार्टियां अपने अपने 24 सीटों में से टोटल 24 सीटों में से किन्हें देती है सीट देती है या नहीं देती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल 24 लोग सीटों को लेकर जो बात सामने आई है, उसमें 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड के कोई खाते में गई है। मूल बातें हमारे भूपेंद्र बाबू ने आपको बता दी हैं कि किस ढंग से पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार लगातार काम कर रही है NDA की, और उसका जो असर है आम लोगों पर या उसकी जो सराहना है, इसका सीधा जागता प्रमाण है कि चौथी बार ऐसा विरली होता है कि एक ही नेता के नेतृत्व में चौथी बार लगातार सरकार बने, ऐसा कम होता है, कम प्रदेशों में होता है। तो ये हम लोगों के सरकार की विश्वसनीयता है, और जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, अन्य हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनके साथ जितनी मजबूती से चल रहा है, यह आपके सामने है। जो वर्तमान परिपेक्ष है, ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव है, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने हैं, 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होने हैं। लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 2400 सीट रिक्त हो गए, और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी, और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का फिर जनता दल यू और भाजपा का 50% या एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी, इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला। जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे, और एक
सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय। इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होगी और आप लोगों के भी जो कयास चल रहे थे ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं, ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं, शेष 13 इनको लड़ना है, उसमें से एक जो सीट आप इनको देंगे ये दे देंगे दोनों पर। तो हम दोनों ही पढ़ देते हैं, जब इन्होंने अपनी सीटों का भी विवरण पढ़ने का अधिकार दे दिया तो मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। जो जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और एक 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवा किशनगंज, आठवा कटिहार, नौवा सहरसा, दसवा गोपालगंज, ग्यारहवा बेगूसराय, बारहवा समस्तीपुर, तेरहवा वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवा सीतामढ़ी, आठवा भागलपुर, नौवा मुंगेर, दसवा नवादा, ग्यारहवा मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या दिखा दें ये अरे दे ही देवे, इसीलिए तो पूरा पढ़ दी। और कोई विषय कहना है किसी का तो बताइए। हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, विजय चौधरी जी ने हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। जैसे ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे। हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। वो अभी आज का विषय, अभी तो विधान परिषद की बात हो रही है तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? नहीं, सब हम विश्वास में लेके करें। विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज हो बताइए। और कोई प्रश्न? हाँ जी, समय आने पे कर।
किसान माफियाओं से लड़ने के लिए अगर भेजा जा रहा है दलों में सहमति है इसमें। सबसे पहले तो भले आपने प्रश्न पूछ ही दिया, तो शिक्षकों को शराब माफियाओं से लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। हम आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट कराने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बात साफ है कि ये कोई नई बात तो है नहीं, पूरी बिहार सरकार की तरफ से बिहार की जनता से बिहार के नागरिकों से अपील किया जा चुका था कि जहां कहीं कोई आपको शराब पीते नजर आए, कोई शराब में व्यापार करते नजर आए, कोई शराब का स्टॉक रखे पता चले आपको, तो उसकी सूचना आप सरकार को दीजिए। सरकार आपका नाम आपका पता गोपनीय रखेगी और कार्रवाई करेगी। जब पूरे बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी नागरिकों से अपील किया जा चुका था, तो हमारे शिक्षक क्या नागरिक के पूरे घेरे से बाहर हैं क्या? उनके लिए भी पहले ये उतना ही प्रभावी था। सवाल है सरकार के तरफ से सभी नागरिक, आपसे भी अनुरोध है कि आपको कोई शराब पीते दिखे तो आप बताइएगा, सरकार कार्रवाई करेगी। तो अगर शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों या अपने विभाग के साथ काम करने वाले लोगों को ये कहा है कि शराबबंदी को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए, तो आपको इसमें अव्यवहारिक क्या लगता है? पहली बात। दूसरी बात, किसी शिक्षक को तो कोई टारगेट नहीं दिया गया कि आप इतना दिन इतना को पकड़वाइए या आप नहीं पकड़वाइएगा तो कार्रवाई होगी। ये तो सामान्य जो सरकार की तरफ से पहले अपील की गई है उसको विभाग में इंटरनल सर्कुलेशन में शराबबंदी को सफल कराने के लिए कहा है। ये तो अगर उनको दिखेगा तो सूचना देंगे, नहीं दिखेगा नहीं देंगे, इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं। देखिए, हम लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग अगर नहीं पैदा करना चाहिए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज, मैं अमित कुमार, सहयोगी त्रिलोकीनाथ प्रसाद।